हेलो साइंटिफिक पीपल, इस वीडियो में हम साइनाइड के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर यह क्या है और यह शरीर में पहुंचकर ऐसा क्या करता है कि इसे खाने वाला तुरंत मर जाता है। और आप ये तो जानते होंगे कि सेब के बीज में साइनाइड होता है, तो आखिर कितने सेब के बीज खाने से मौत हो सकती है, इस बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं जिसकी लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। वेल, यह वीडियो हमने एजुकेशन पर्पज से बनाई है। हम आपको कुछ भी उल्टा सीधा एक्सपेरिमेंट करने की सलाह नहीं देते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्बन व नाइट्रोजन बॉन्ड को साइनाइड कहते हैं। इसे केमिस्ट्री में CN से दर्शाते हैं। नेचर में बहुत से साइनाइड हैं, जिनमें से सिर्फ कुछ ही साइनाइड घातक हैं, जैसे सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड और कैल्शियम साइनाइड। साइनाइड को जासूसी वाली फिल्मों में दिखाया जाता है, जिसमें जासूस या टेररिस्ट अपने गले में साइनाइड से भरा एक कैप्सूल रखता है। जब वह पकड़ा जाता है तो इसे खा लेता है और तुरंत मर जाता है। परंतु असली दुनिया में थोड़ा अलग तरीके से होता है। जब साइनाइड को किसी भी पर्सन के द्वारा खाया जाता है तो यह हमारे ब्लड में उपस्थित आयरन से जुड़ जाता है, जिसके कारण कोशिकाओं तक तुरंत ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है और बिना ऑक्सीजन के कोशिकाएं ऊर्जा का उत्पादन करना बंद कर देती हैं, जिससे पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज के बाद एनर्जी व ऑक्सीजन की कमी के कारण लंग्स, किडनी, लीवर और हार्ट काम करना बंद कर देते हैं। वैसे इसे खाने के बाद इंसान को पूरी तरह मरने में लगभग 2 से 5 मिनट का समय लगता है। वेल, यदि आप सोच रहे हैं कि यह सबसे आसान मौत है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि पैरालाइज होने की वजह से आप अपना दर्द बयां नहीं कर पाएंगे, वरना हर एक सेकंड आपको घंटों जैसी महसूस होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, नहीं आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं।